नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ एंड फूड में। आज मैं एक नई रेसिपी लेके हाजिर हूँ आपके लिए, जो है ब्रेड पुडिंग। ये एगलेस बनाएंगे आज हम। सबसे पहले आइए सामग्री देख लेते हैं। आप नोट कर लीजिए क्या क्या लगेगा। ये है चीनी और ये है कस्टर्ड पाउडर, वेनिला फ्लेवर। नहीं है अगर तो आप फ्लेवर ऊपर से ऐड कर सकते हैं। ये है चार ब्रेड, जिसके बगल के हिस्से को हम काट देंगे। आपको अगर नहीं काटना है तो आप ऐसे भी पीस सकते हैं। बस इसको मिक्सी के जार में डाल के इसका अच्छा सा हम एक पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पीसना है सूखा, अच्छा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, ये है आधा लीटर दूध, ये आधे लीटर की ग्लास है। इस ग्लास से मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है। अब इसको रख देंगे हम उबलने के लिए। और दूसरी तरफ हम लेंगे, ये है केक मोल्ड। और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी बर्तन जो चूल्हे पे रखने पे जल ना जाए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ हम। या आपको अगर कोई और डिज़ाइन बनाना है तो आप अलग डिज़ाइन का भी ले सकते हैं। यहाँ हम गैस ऑन कर देंगे चूल्हे को। एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, एक तरफ हम चीनी को कैमरलाइज करेंगे। और यहाँ दो चम्मच चीनी लिया है और दो चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको फिर हम चीनी को जो है वो हम कैमरलाइज करना शुरू करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आँच कम रहेगा। और देखिए ये कैसे अभी झट से इसका कलर चेंज हो जाएगा। लगातार चलाते रहना, चारों तरफ चलाना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है, एक ही जगह चलाते नहीं रहना है, नहीं तो दूसरी जगह जो चीनी है वो जल जाएगी। आपको दिख रहा होगा कि चीनी कैसे अपना कलर बदल रही है। देखिए यहाँ पे चीनी का कलर चेंज होने लगा है और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। जैसे ये देखिए अब ये हो गया और इसको अब हम बंद कर देंगे। जैसे हमें समझ में आए कि होने वाला है उसी समय बंद कर देंगे, नहीं तो ये तुरंत जल जाता है। और बंद करने के बाद चूल्हा वो खुद बखुद थोड़ा सा और हो जाएगा, ये लिक्विड में ही रहेगा। अगर ये जम जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। देखिए यहाँ पे दूध उबल गया है। यहाँ मैंने 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है दूध में। अब हम इसमें चीनी को घोल देंगे और दूध को उबलने के लिए रखेंगे। और जब दूध उबलने लगेगा तो यहाँ हम कस्टर्ड पाउडर को 4 चम्मच घोल लेंगे अच्छे से। आंच को कम रखेंगे यहाँ पे और ये 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, इसको अच्छे से घोल लेंगे पानी या ठंडा दूध डाल करके। और इसमें लम्स ना पड़ा रहे ये हम ध्यान देंगे। और दूध उबल रहा है कि नहीं एक बार और चेक करके फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दूध उबलने लगा है। अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को कम कर देंगे। जब फ्लेम कम हो जाएगा, दूध थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा, तब हम उसमें कस्टर्ड डालेंगे। और कस्टर्ड डालने के बाद उसको लगातार 1 मिनट पे कम आँच में चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो लम्स जम जाएगा नीचे। तो यहाँ हम देखिए चलाते रहेंगे इसको लगातार। और देखिए ये कितना गाढ़ा हुआ है। यहाँ हमने 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। और फिर उसके बाद जो हमने पाउडर बनाया था ब्रेड का, 4 ब्रेड का, उसको इसमें हम डाल देंगे। मैंने थोड़ा पहले डाला था, पहले मैंने 3 ब्रेड का डाला, फिर 1 ब्रेड का और डाला, जैसे ज़रूरत लगे। अगर आपको लगता है कि 4 ब्रेड कम पड़ रहा है तो आप 5 ब्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाइट वाला ही ब्रेड लेंगे, ब्राउन ब्रेड नहीं लेंगे। और इसको लगातार कम आंच पे लगातार चलाते हुए, देखिए बाद में मैंने थोड़ा सा और ऐड किया जब मुझे लगा कि अभी बहुत ढीला है ये पेस्ट, तो मैंने 1 ब्रेड का और बना के डाला इसमें। मतलब 4 ही ब्रेड है, आपको अगर लगे 5वां की भी ज़रूरत है तो आप 5वां भी डाल सकती हैं। और इसे लगातार चलाते रहेंगे, लम्स नहीं बनने देंगे और कम आंच पे पकाएंगे इसको।
बस यहीं पर इसमें थोड़ा सा मेहनत होता है, नहीं तो केक तो बहुत अच्छा ये पुडिंग बनता है और एगलेस भी है। ये जो पुडिंग है ये भी मैं बर्थडे किसी के बर्थडे पे बना रही हूँ, इसलिए कई स्टेप ऐसे थे जो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, मिस हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बताते रहूँगी। मिस होने का मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट तो मिस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो गया। ये देखिए ये जमने लगा है, इसको हम इसी तरह चलाते हुए कम आंच पे पकाते रहेंगे। अगर आपको लगे कि ये नहीं जम रहा है तो भी आप इसको छोड़ दीजिए, इसको तुरंत केक मोल्ड में पलट देंगे हम। और बहुत ज़्यादा अगर नहीं हो रहा है, गीला ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे देखिए हम इसी के ऊपर पलट देंगे, अच्छे से सारा इसी में डाल देंगे। डालने के बाद एक किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में हम पानी लेंगे। पानी में कोई भी स्टैंड, मेरे पास स्टैंड है लेकिन वो इसमें नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ नीचे कटोरी रख दी है और पानी को हमने उबाल लिया है 5 मिनट तक। फिर उसके बाद जो ये केक का मोल्ड है जो जिसमें हमने ये पेस्ट डाला था, इसको डाल देंगे। रैप करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी मुझे कि भाप जो है वो केक के ऊपर, उसका भाप का पानी टपकता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ढक दिया है। आप ऑप्शनल है, ढकना चाहे तो ढक लें, नहीं तो छोड़ दें। ऊपर से हम एक ढक्कन लगा देंगे, और केक को नहीं ढकना है तो कोई बात नहीं है, उसको रैप करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको 10-15 मिनट बाद एक बार चेक कर लेंगे कि क्या स्थिति है इसकी। 10-15 मिनट बाद अगर ये नहीं बनता है चेक करने पर, तो हम इसको पूरे मिला करके 25 से 30 मिनट तक रखेंगे, बीच में 10-15 मिनट पे चेक करेंगे। ये देखिए मैंने 15 मिनट पे चेक किया है, ये वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो 15 मिनट बाद जब मैंने चेक किया तो फिर मैंने 10 मिनट और इसको कम आँच पर छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद मैंने फिर खोला तो भी ऐसा ही था, मुझे चेंज नहीं लगा क्योंकि मैं भी पहले बार ही बना रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, निकाल करके मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो आपका भी अगर ऐसे ही गीला रह जाता है तो डरने की बात नहीं है, आप इस पुडिंग को बाहर निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन फ्रिज में नहीं डालेंगे, बाहर ही ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। देखिए ये वैसे के वैसा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ा जब मैंने ठंडा कर लिया इसको, तो 2 घंटे मैंने इसको ठंडा किया, फ्रिज में नहीं डाला था। अब चलिए इसको हम पलटते हैं, तो ऐसे प्लेट में हम इसको पलट लेंगे, इसके ऊपर पहले प्लेट लगाएंगे, फिर इसको उल्टा कर लेंगे, फिर उसके बाद धीरे से हम इसको उठा लेंगे, ये मोल्ड आराम से केक जो है वो नीचे चला जाएगा। और दिखाती हूँ मैं आपको, धीरे धीरे निकालना है इसको, और ये देखिए ये रहा हमारा केक। पूरा वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, यहीं पे मुझे लगा मैं बना रही हूँ लेकिन कैमरा ऑन ही नहीं था। और ये देखिए हमारा पुडिंग कैसे रेडी है, एगलेस है, ब्रेड का बना है, और कोई कमी मुझे इसमें नज़र नहीं आ रही है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बना था। वीडियो के देखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसको आज ही घर में बना के खाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।